गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी चार्ट है, जैसे कि हम 3-4 दिन से बोल रहे हैं, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस चेक करके देखें तो 16,900 16,880 के नीचे हम बेरिश थे, और हमने बोला था ये फ्लैग का टारगेट 16,400 से 16,600 आएगा, जो कि आज अचीव हो गया और थोड़ा सा 340 के नीचे भी गया। बट अब ये देख के ऐसा लगता है कि 16,400 सस्टेन, आज एक रिवर्सल कैंडल बना है, बट 16,400 के ऊपर तो क्लोजिंग आई है, बट ड्यूरिंग द डे नीचे चला गया था निफ्टी। तो 16,400 एज ऑफ नाउ क्लोजिंग बेसिस पे तो सस्टेन हो गया है। तो अभी चार्ट में एक और ऑब्जर्वेशन जो नज़र आई है वो ये है कि जैसे कि हाँ जी, तो चार्ट में जो ऑब्जर्वेशन जो ये नज़र आई है, ये फ्लैग तो टारगेट अचीव हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं। 61.8% भी ब्रीच हो गया, इसको भी हम फिर हटा देते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अब एक ये ट्रेंड लाइन, ये अगर हम यहाँ से चेक करें इस हाई से और इसी का क्लोन करें, तो ऑलमोस्ट उसी के लो पे आज थोड़ा सा ऊपर निफ्टी रुकी। और अब ये देखना है, ये एक रिवर्सल कैंडल जरूर बना है, दोजी कहते हैं इसको। अब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और वो फिर हमें 16,950 17,000 तक ले जा सकता है। तो अभी ये कल हमें कंफर्म होगा कि ये जो रिवर्सल कैंडल बना है इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन आता है अगले दिन की नहीं आता, बट अभी चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि ये चैनल बन रहा है। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वी गो बाउंस बैक टू 17,000 एंड देन अगेन कम बैक, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और अभी ये चैनल दिख रहा है बनता हुआ। तो जो अभी रिवर्सल कैंडल बना है, टारगेट्स अचीव हो गए, व्यू अभी भी बेरिश है, ये अब मैं हटा देता हूँ। रिवर्सल कैंडल फॉर्म टुडे needs confirmation on Monday. तो अगर आज के हाई के ऊपर कल एक ग्रीन कैंडल बंद हो गया, तो हम एक ये विद सम सर्टेनिटी बोल सकते हैं कि एक बार के लिए 16,917,000 आ सकता है, बट ये तभी कंफर्म होगा जब कल का जो कैंडल बुलिश बनेगा और आज के हाई के ऊपर बंद होगा, क्योंकि ये गैप अभी भी रेजिस्टेंस बनेगा और वो गैप क्लोज होते ही हमें 16,900 से 17,000 देखने को मिलेगा। अगर बुलिश कैंडल नहीं बनता है तो डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है, थोड़ा सा कल आज का लो ब्रेक होके 16,250 या कुछ ऐसा लेवल दिख सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो सारा कुछ मंडे के कैंडल पर डिपेंडेंट है कि आज का जो रिवर्सल कैंडल है वो जो फॉर्म हुआ है वो उसका कन्फर्मेशन आता है कि नहीं आता। अगर कंफर्मेशन आता है तो आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी कोई सिग्नल नहीं है बाय करने के लिए, तो इसलिए अभी बाय ना करें, वेट करें, क्योंकि जब सेल ऑफ ऐसे आते हैं तो ये सीधा भी 15,600 आ सकता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वी डोंट हैव टू प्रीएम्प्ट। तो प्रीएम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ बाय कर लो और यहाँ सेल कर लो, लेट मार्केट्स कन्फर्म द टुडेज रिवर्सल कैंडल, देन ओनली बाय। तो आपको मैंने अभी बता दिया, तो आप मार्केट के क्लोज होते हुए मंडे अगर आज के हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल बन रही हो तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी पे, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये ब्रेक डाउन हुआ, तो मैं ये सब थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये फिबोनाची के नीचे हम क्लोज हो गए, तो ये भी रिडंडेंट है, गैप रेजिस्टेंस जोन्स ये बहुत दूर रह गया, ये भी आप कोई वो नहीं है। आइलैंड रिवर्सल सपोर्ट ये अभी भी रहेगा 34,000 से 34,100। तो जो हमारा टारगेट था 34,700 का, वो आ गया 35,500 के नीचे, और 34,000 का एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो आज 34,353 का लो लगाया, ठीक है। अब आप देखें तो इसमें भी यही है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक आप देख सकते हैं 3 टच पॉइंट्स हैं, 1 2 3,
और इसी का अगर हम क्लोन करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट इस पे मिल जाएगा। तो आप देखें एग्जैक्ट उसी पे, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, ये पैरेलल पूरा पैरेलल चल बना। तो निफ्टी थोड़ा सा मार्जिनली मिस हो गया, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी पे टेस्ट किया। तो अब ये भी एक बैंक निफ्टी पे एक रिवर्सल कैंडल बना है, इसको भी सेम कंफर्मेशन की जरूरत है जैसे निफ्टी रिवर्सल कैंडल को जरूरत है। तो इसमें भी वही है कि आज के हाई के ऊपर मंडे को क्लोजिंग आनी चाहिए बुलिश कैंडल से, तभी हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35,500 35,700 तक। तो अभी इसमें भी हम यही लिख सकते हैं, नीचे में सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एट 34,000 टू 34,100, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। रिवर्सल कैंडल फॉर्म टुडे नीड्स कंफर्मेशन ऑन मंडे। तो ये सेम दोनों पे राय है कि एक रिवर्सल कैंडल बनेगा तभी हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, और जो भी स्ट्रेंथ है वो 36,500 के ऊपर ही दिखेगी जब पुराना स्विंग हाई क्रॉस होगा। अगर 36,500 नहीं क्रॉस होता तो ये बैंक निफ्टी यहाँ से 35,500-36,000 से वापस एक बार नीचे के लेवल दिखा सकती है। तो लॉन्ग होने का भी कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है, एक बस एक होप है कि एक रिवर्सल कैंडल बना है, बट उसको कंफर्मेशन की जरूरत होती है जो कि हमें मंडे एक पता चल जाएगा। तो दोनों पे ये व्यू था, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। देयर इज अ 2 डे हॉलीडे सो वीकेंड आप एंजॉय करें, एंड लेट्स सी ऑन मंडे व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड।